वेलकम बैक माय चैनल अंदा और राउंडर। तो गर्मी के दिन आ गए हैं, तो यहाँ पे डिंकी बना रही है शरबत। और ये देखिए अब बज चुके हैं 3:30, चाय पीने की। हाँ हो गई होगी। और आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत मतलब यादगार दिन है। आज के दिन ही अच्छा आज के दिन ही हमारे जीजा जी एक्सीडेंट चले गए थे। इधर ये देखो टाइम पास क्या टाइम पास कर रहे टाइम पास नहीं नहीं वहाँ डब्बे में उठती थी क्या टाइम पास कर रहे हैं। तो आज का दिन इतना भय ऐसा था। ये क्या बना रहे हैं? ये चप्पल स्टैंड बना रहे, क्योंकि अभी यहाँ चप्पलें रख रहे थे ना, तो यहाँ पे अभी कूलर निकालेंगे। और देखिए कचरा कितना सारा है, तो दिन याद नहीं करते हैं। इसका ये असली रूप है। ऐसे चिल्लाती रहती है ये, उसको लगा कि मैंने चालू नहीं किया है। तो अभी बज चुके सवा चार है ना, 4:10। तो अभी चाय के समय अभी ये थोड़ा छोटे छोटे लोग रखना। देखिए ऐसा कलर क्यों दिख रहा है, छितड़े छितड़े। पाउडर उसमें था ना, तो वो पानी में डाल के कर देना शायद। नहीं नहीं वो उसमें एक्स्ट्रा वाइट था कुछ। रेट वेट तो देख लिया था 25। तो गाइज कैसे आप सब, आए आप सब बच्चे होंगे। तो अभी वो आवाज़ आ रही ना, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही हूँ, बाद में बताऊंगी। तो आज है तारीख, आज 29 मार्च है, और एक साल हो गया है आज हमारे जीजा जी को गए हुए एक्सीडेंट, मतलब अचानक से अपघात में एक्सीडेंट से उनके ये हो गई थी टिंकल के पापा। तो आज सब मतलब उनका आज मृत्यु दिन हम मना रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं गए हैं क्योंकि अभी बस नहीं गए क्योंकि वो धूप भी बहुत थी। और सोचा मतलब कुछ बच के अभी रिजल्ट विजल्ट भी आने वाले थे, फिर जाएंगे तो 15 दिन उधर चले जाएंगे, करके हम लोग नहीं गए। तो टिंकल गया है, वो आएगा अभी कल 2-3 दिन में आ जाएगा आज वहाँ पे। और पूरा वो दिन याद आते हैं ना, वो इस समय हम पहुँचे थे सुबह, हमको आज के दिन सुबह ही। और उस समय ना अष्टमी थी, अष्टमी के दिन कल मंदिर के सामने उनका एकदम से एक्सीडेंट हो गया था। माता जी भी नहीं बचा पाई उनको जगह पे भी, ठीक है वही। तो बस ऐसे याद कर रहे थे उनका, चलो याद निकाल नहीं रहती है बातें में, फिर भी मैं याद कर रही थी। पे कूलर लग चुका है, और मेरे यहाँ ना गर्मी में, आपके यहाँ भी गर्मी में इतने बड़े बड़े फ्लावर आते हैं क्या? इतने बड़े बड़े फ्लावर गर्मी में भी आते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी कली लगी है, और शाम का ये समय है, देखिए कितना सुंदर है। तो अभी मैं शाम को आपके साथ मिल रही हूँ। मैं ना बिल्कुल रेडी नहीं होती हूँ, घर में रहती हूँ ना, तो बिल्कुल ऐसे ही रहती हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी है ना कली लग गई है बहुत सारी, और कूलर भी लग गया है अभी 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 सिद्धार्थ जी कर रहे हैं वहाँ पे ना, वो कांच की खिड़की है ना, तो वहाँ पे धूप आएगी दोपहर को, तो धूप आएगी ना तो खड्डे लगा रहे हैं कूलर वूलर। अब उनको क्या छुट्टी है तो वो कर रहे हैं। और आज है गुड फ्राइडे है ना, और आज उन्होंने है ना चप्पल रखने के लिए देखो पैसे बचाए। वही मैं मार्केट जाती प्लास्टिक का भी लाती तो 250-300 का समथिंग हो ही जाता। देखिए परफेक्ट लग रहा है ना, नहीं तो ऐसी चप्पल फैली रहती, तो ये भी पैसे बचा लिए। है ना दरवाज़ा पीछे टूट गया था, पीछे वाला कंपाउंड का, तो दूसरा दरवाज़ा लगाने वाले आए थे तो ये फेंक दिए थे पट्टियाँ तोड़ के, तो ये पट्टियों से इन्होंने मतलब फेंके हुए पट्टियों से इन्होंने चप्पल स्टैंड बहुत अच्छी कर दी। तो यही है पैसे बचाने हो अगर मिडिल क्लास फैमिली को। और बस किल 10 रुपये की किल लगी इसको, और ये बस चलेगा है ना, न से बराबर तो है। वही महंगा लो 1000 से अच्छा प्लास्टिक वाला लो तो भी मार्केट से 500 से कम नहीं मिलेगा, या 1000-2000। तो उस लायक घर भी तो चाहिए है ना गाइस। तो बस यही है, और अब ऐसे मत रख करना ठीक है, मतलब हाँ धूप सही है, ऊन भी ठीक है, लेकिन ऐसे रखो कि जैसे मतलब कब ख़राब ना दिखे। कूलर की अभी ज़रूरत तो नहीं है, आज बादल है, लेकिन फिर भी अब ये इनको ड्यूटी लग जाएगी, चले जाएंगे फिर 1 तारीख से 2 तारीख से। तो
ये देखिए कितना अच्छा व्यू है गाइस। ये पीपल का पेड़ बहुत बड़ा है, और बोलते कि पीपल का पेड़ की वजह से ना इतने पत्ती गड़ ये होती है बहुत ज़्यादा। तो यही कुछ है। और डिंकी परी गई है घूमने, मतलब इवनिंग वॉक के लिए मैंने गई हूँ। मैं इनके ये कर रहे थे तो देख रहे थे। और देखिए कितना अच्छा हरियाली, पिछले साल गई थी ना मैं, मतलब गांव गई थी, पूरे सूख गए थे तो एक पेड़ से मैंने इतने सारे पेड़ उगाए थे। और गुलाब देखो कितना अच्छा लग रहा है बस। और ये देखिए ये ही प्लांट ये है, लेकिन यहाँ पे ना हरा कलर है और यहाँ पे ओरिजिनल है, जो मुझे वो ओरिजिनल मैंने खरीद के लाए थे ना वो ओरिजिनल कलर है गाइस। ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ आपको। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो मैं डायरेक्ट आपको आज संडे मिल रही हूँ। और मैं दो दिन में बीच में बनाया नहीं था, परसों के दिन बनाया था, 29 को बनाया था मैंने, फिर 30 को बनाया नहीं, फिर आज संडे को मिल रही हूँ। 31 है मार्च, लास्ट डे है मैंने कहा आज ये मतलब मार्च में मार्च का आखिरी वाला वीडियो आपके साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग में बैठी हूँ अभी यहाँ पर, तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, मैगी वगैरह खा ली अभी, बच्चों के 10:30 बज चुके। अभी चलो अभी नहा के लंच की तैयारी करते हैं, बस लंच की तैयारी करते हैं। डिंकी परी सो गए, मतलब आराम कर रही है, और ये आज गए, आज इन्हें वर्किंग डे थी, इनको इन्हें इतने दिनों से ब्रेक लगा था तो घर में ही थे, तो उन्होंने देखिए मस्त बना लिए, मतलब कम बिना पैसे लगे, बस 10 रुपये लगे, और घर के जो पड़ी पट्टी थी उसका यूज़ करके उन्होंने चप्पल स्टैंड बना लिया, तो वेस्ट नहीं जाने दे दिया और अच्छा भी लग रहा है। अभी मैं आपको यहाँ से भी बताती हूँ ना, देखिए अच्छा लगा, ऐसे फैले फैले चप्पल रहती थी खरी है ना, मैंने आपको उस दिन भी बताई। और लाओ तो सब नज़र लगा रहे हैं यार इनको, सब पूछते रहते हैं कैसा है क्या है, तो बस यही है। धूप बहुत है, बारिश आई थी हमारे यहाँ परसों के रात को, तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बहुत मतलब बारिश, और आज भी बादल है, कल भी बादल बादल ही थे, मौसम बहुत बुरा सा लग रहा है। ठीक है, फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आ रही है यहाँ पे दो रोटी दो पूड़ी, मतलब तेल लगा के रोटी बोलते हैं उसको, दो पूड़ी और सब्जी में बनाई है, काफ़ी दिनों के बाद किचन में घुसी है आज। सेव टोमेटो की सब्जी, क्योंकि टिंकल नहीं तो ये सब्जी टिंकल ही बना था आज। तो ये देखो सेव टोमेटो की सब्जी और रोटी, रोटी तो देखो कितनी बड़ी बड़ी, वाह यार सब्जी को मैं डिब्बे में पैक कर लेती हूं। हाँ, ये टिफिन के लिए सही रहता है, बोलेंगे होटल वाली टिफिन के लिए सही रहता है, हम लोग ना होटल से ऐसी सब्जी मंगाते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।